मुश्किल समय में जो साथ निभाए वही होता है सच्चा दोस्त, आपके ऐसे ही मुश्किल वक्त का साथी है नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कैंसर, ब्रेन और स्पाइन समेत अन्य जटिल बीमारियों के सरल उपचार के साथ ही पेनलेस डिलीवरी और नवजात शिशु की संपूर्ण देखभाल का एकमात्र विश्वसनीय स्थान नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिहाइंड हितवादा प्रेस, धंतोली। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिसन की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं आपका होस्ट रत्नाकर। हमारे जिंदगी की शुरुआत होती है बचपन से, खिलखिलाता बचपन, और वहां से फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही सपना आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने देखा और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सोनल भगत जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा हैं, डायरेक्टर हैं। एक खूबसूरत सा सपना इन्होंने देखा जनता की सेवा करने के लिए और इन्होंने इजाद किया नेल्सन हॉस्पिटल, शुरुआत की पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटल से। क्या सपना देख के डॉक्टर साहब आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए नेल्सन हॉस्पिटल की स्थापना की, हमारे दर्शकों से कृपया बताइए। सबसे पहले धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। जी, हम लोग नेल्सन हॉस्पिटल, नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज जिसे हम बोलते हैं, हम लोगों ने आज से कुछ 2007 में हम लोगों ने ये सफर चालू किया हम लोगों का, जहाँ पे हम लोगों ने एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल या फिर चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से, सेंट्रल इंडिया चाइल्ड हॉस्पिटल, यहाँ से हम लोगों ने हमारी शुरुआत की। जी, हम लोगों का एम या उद्देश्य यही था कि नागपुर में जो मेट्रो सिटीज में लाइक मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, जो हेल्थ सुविधाएं वहां मिलती हैं, जो हेल्थ केयर में बेस्ट सुविधाएं वहां मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हम लोग बच्चों के लिए स्पेशली हम हमारे यहाँ पे, हमारे सेंटर पे नागपुर में दे सके। जी, इस सोच के साथ हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चालू किया। और सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया चाइल्ड हॉस्पिटल, जहाँ पे बच्चों के लिए, नवजात शिशु से एक दिन के बच्चे से लेके कुछ घंटों के बच्चों से लेके तो 18-21 साल के बच्चों तक सभी फैसिलिटीज जो उन्हें मिलना चाहिए, वो बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट केयर दिया जाता है वहाँ। डॉक्टर साहब, ये जो शुरुआत आपने की, कई चैलेंजेस आए होंगे, एक टीम बनानी पड़ी होगी, एक फॉर्मेशन करना पड़ा होगा, तो आपने जो जगह जो ली और जिस जगह पे आपने शुरुआत की, अभी एक डेस्टिनेशन बन चुका है नागपुर का, जिसके लिए हम आपको शुभकामना तो देते हैं, आपका अभिनंदन भी करते हैं। तो ये चैलेंजेस क्या क्या थे और इसको पार करते करते कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? जी, उस समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे मेजर चैलेंज था कि बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर जी सुविधा ये सेंट्रल इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। सो उस समय किसी भी बच्चे को अगर कुछ इंटेंसिव केयर देना है, आईसीयू केयर देना है, तो बेसिक केयर के बाद हम लोगों को ये फैसिलिटी के लिए बच्चों को बाहर रेफर करना पड़ता था। जी, तो उसी सोच के साथ जो कुछ हमारे टीम मेंबर्स थे, जो आज नामी डॉक्टर्स हैं, लाइक डॉक्टर सतीश देव पुजारी, डॉक्टर विश्राम बुचे, डॉक्टर सुचिता खड़से, ये सब पायोनियर्स हैं। आज इन्हें सिर्फ नागपुर या इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा खासा रिकग्निशन सब लोगों का, उनके एक्सपीरियंसेस का बड़े। तो ये लोगों का जो अनुभव है और जो पूरी दुनिया इसे मान रही है, वो सब एक टीम बन के एक जगह पे आके इन्होंने वो कंसेप्ट एक्सेप्ट किया और ये कंसेप्ट पे हम लोगों ने काम चालू किया। तो हर टाइप का इंटेंसिव केयर या आईसीयू केयर बच्चों को मिले, उस टाइप का एक फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे
डेवलप किया। डॉक्टर साहब, हमने जब शुरुआत की, बच्चों से हमने शुरुआत की, जो कि हमारे हर इंसान का एक पहला कदम होता है इस धरती के ऊपर में, फिर आपने और आपकी टीम ने सोचा कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर आपने बाकी की जो मल्टी स्पेशलिटी की तरफ आप आगे बढ़ते गए, तो ये सिलसिला फिर कैसे, क्या क्या ऐड आपने अपने जो क्राउन है उसमें ये सारी जो चीजें हैं बाकी मल्टी स्पेशलिटी यूनिट्स जो, इसको कैसे आपने डेवलप किया? जी, हम लोगों ने सबसे पहले, जैसे मैं बताया, 2007 में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल या चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के इससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उसमें मदर कंपोनेंट यानी ऑब्स एंड गाइनी सेगमेंट उसमें ऐड किया। अब जिस तरीके से हम लोगों ने पीडियाट्रिक या चाइल्ड के लिए हर सुविधा अवेलेबल रहनी चाहिए हमारे सिटी में, जी, उसी तरह हम लोगों ने फोकस किया कि मदर एंड चाइल्ड यानी मदर के लिए गायनी ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट के लिए वो सभी सुविधा हमारे फैसिलिटी पे हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल रहनी चाहिए। जी, तो हमारे हॉस्पिटल के इवोल्यूशन में हम लोगों ने ये सेकंड कंपोनेंट ऐड किया जो कि मदर कंपोनेंट था। आज हम लोग बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि बहुत चुनिंदा सेंटर्स हैं जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जी हैंडल की जाती है विथ ऑल इमरजेंसी केयर। तो हम लोग एक ऐसे सेंटर है जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जो मदर्स और जो बेबी मदर के अंदर रहते हैं वो जो बहुत ऐसा समय आ जाता है जी, कि वो लोग क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं, तो वो सब सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हमारे सेंटर पे हैंडल किया जाता है जी। मदर एंड चाइल्ड कंपोनेंट दोनों एक कंप्लीट हो गया। तो अब जब हमें थोड़ा सा स्पेस के कंस्ट्रेंट आने लग गए तो फिर हम लोगों ने एक्सपेंशन के लिए एक नए बिल्डिंग में शिफ्ट होने का प्लान किया जहाँ की आज हम अवेलेबल है, जो कि हितवाद के पीछे नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी के नाम से, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है और जहां तक एक्सेस भी सभी के लिए बहुत ही आसान है जी। तो वहां पे आने के बाद हम लोगों ने ये फैसिलिटीज कंप्लीट की। फिर उसके बाद 2020 में हम सब लोगों ने एक बहुत बुरा समय देखा कोविड का जी। ये बहुत ही सच में आपने जो उसकी याद दिलाई, तो वो दौर जो है 2 से 2.5 साल का, दो वो हम सब के लिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे हर किसी के जो लिए, पेशेंट खुद उससे गुजरे हो या उस पेशेंट्स के जो रिश्तेदार हो जी, फैमिलीज हो, उन्होंने काफी, पूरी दुनिया ने ये जो है बहुत एक दर्दनाक फेज देखा है। तो अब उस समय जितने भी हॉस्पिटल्स थे सब, हर किसी को अपने अपने तरीके से मदद करना था। तो हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले, क्योंकि पहले मदर एंड चाइल्ड थे, तो सबसे पहले माताओं के लिए और बच्चों के लिए हम लोगों ने कोविड फैसिलिटी स्टार्ट की, जो कि गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई हॉस्पिटल कर रहा था तो वो हम कर रहे थे। गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जगह ट्रेनिंग के इश्यूज थे जी। तो जो उस टाइम पे अथॉरिटीज थी, एनएमसी और बाकी सब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी, उन लोगों के साथ हम लोगों ने खुद आगे बढ़ के कदम लिया कि हम लोग आपके स्टाफ को इस स्पेसिफिक स्पेशलिटी के लिए ट्रेन करेंगे। तो हम लोगों ने काफी, वैसे भी हम लोगों ने योगदान किया है उस ऐसी टीम तैयार की जो कोविड पेशेंट्स को हेल्प कर सके जी, फैमिलीज को ट्रेन कर जो सके, स्पेशली बच्चों के लिए और मदर के लिए उस समय, क्योंकि कोई और हॉस्पिटल थे नहीं इसलिए बीमारी भी ऐसी थी कि लोग भी आगे आने के लिए डरते थे। तो वो किया। फिर 2021 में जो सेकेंड वेव था उसमें तो हर किसी को, हर हॉस्पिटल या हर डॉक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसमें अपनी सर्विसेज देना पड़ा। तो उसी समय हम लोगों ने भी अपने हॉस्पिटल को पूरा कंप्लीट कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। जी, वो मैंडेटरी था और सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो जरूरी भी बहुत जरूरी था। हम तो मतलब सैल्यूट करते हैं आपको और आपकी टीम को, जिन्होंने ऐसे बुरे दौर में कई ऐसे लोगों की
मदद की होगी, उन्हें जिंदगी का रास्ता दिखाया होगा आपने और आपकी पूरी टीम ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के, जिसके लिए आप सभी जो है धन्यवाद के पात्र है, अभिनंदन के जरूर पात्र है। डॉक्टर साहब, ये सिलसिला जो चलता रहा इसमें कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसी घटनाएं घटी होगी आपके साथ में कि जो कोई यादगार हो, खासकर के कोविड काल में। कोविड काल में सर ऐसा है कि बेड्स अवेलेबल नहीं जी, है, ये बहुत क्रिटिकल समस्या, बहुत बहुत बड़ी समस्या थी जो हम सब ने फेस किया है। डॉक्टर्स, हम लोग अगर बेड्स अवेलेबल कर दे रहे हैं तो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर और नर्सेस सफिशिएंट मात्रा में सपोर्टिंग नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, तो ऐसे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन सामने आए। अब वो उस टाइम के जो इंस्टेंसेस है वो तो अब याद करने से भी काटे खड़े होते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा नहीं वो सब चीजें वापस याद करना। अब हम निकल चुके हैं उसके आगे और हम दुआ भी करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी हो भी ना। डॉक्टर आप भी नहीं चाहेंगे और देश के नागरिक और इंसान होने के नाते हम भी नहीं चाहेंगे ऐसा दोबारा आए। जी, इस दौर में आपने एक क्वालिटी के ऊपर में जो है हमेशा ध्यान दिया है, आपने NABH सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है, ISO सर्टिफिकेशन भी आपने प्राप्त किया है, तो क्या वजह रही इन सब के पीछे कि देना है तो बेस्ट ही देना है? जी, जैसे मैं बताया आपको कि हम लोगों ने जो कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, जी पहले एक स्पेशलिटी से स्टार्ट किया जहां पे हर चीज उस स्पेशलिटी से रिलेटेड जो भी है वो चीजें मिले। तो जब हम लोगों ने पीडियाट्रिक यानी चाइल्ड, उसके बाद गायनी, अब हम लोगों ने न्यूरो साइंसेस सेंटर जो लॉन्च किया हुआ है जी हमारे यहाँ पे, उसमें भी जो भी बेस्ट फैसिलिटीज लाइक जो हाई एंड माइक्रोस्कोप होना चाहिए, नेविगेशन सिस्टम जो कि बहुत लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल रहता है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं जी, जी जो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, जो बेस्ट से बेस्ट हम लोग दे सकते हैं उस बारे में। तो नेविगेशन सिस्टम, उसके बाद डीप ब्रेन स्टिमुलस करके एक सिस्टम होता है DBS, जो कि बहुत ही कम सेंटर्स पे अवेलेबल रहता है। ये सब फैसिलिटीज आज लोगों के लिए अवेलेबल है, ये एक काफी अच्छा, लोगों का डायग्नोसिस करने में काफी काफी इजी हो जाता है, कम समय में सर्जरी जो होती है उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करते करते आपने एक बहुत अहम चीज बताई कि नागपुर में तो ये सेंटर है ही है, लेकिन नागपुर से जो सटी हुई जगह है, हम कहेंगे यहाँ से 150-200 किलोमीटर के दूर से, यहाँ से भी अपने पास में पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स को यहाँ तक आने में समय लग जाता है, उस समय को भी बचाने के लिए आपने कुछ सोच के रखा है, वो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या प्लान करके रखा है आने वाले समय, उसको किस तरह से आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं? जी, हम लोग जैसे नागपुर में देखते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो रहते हैं वो क्योंकि आजू बाजू के एरिया में महाराष्ट्र, अपना नागपुर से आजू बाजू विदर्भ का पूरा एरिया बोलिए, फिर छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन और MP का बॉर्डर से लगे हुए और बॉर्डर से लगे हुआ जो मेजर पोर्शन है, तो यानी ये समझ लीजिए आपकी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के रेडियस से नागपुर में पेशेंट्स आते हैं, बिल्कुल, और इनकी संख्या भी ज्यादा है और बहुत बड़ी संख्या। तो अब हर हॉस्पिटल कोशिश करता है कि वो फैसिलिटीज हम लोग वहां पे कैसे दे सके, जी हम लोगों ने भी उसी तरीके से हर बड़े जो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है वहां जाके हर महीने में लोगों के लिए कैंप्स करना, या फिर सुपर स्पेशलिटीज लाइक आपको एक एरिया में MD फिजिशियन या इस टाइप की बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएगी, बट अगर आप न्यूरोसर्जन या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोनेटोलॉजिस्ट, इस टाइप की जो सुपर स्पेशलिटीज होती है जिनकी संख्या डॉक्टर्स की बहुत कम होती है, हम लोग महीने में वो एक बार दो बार कोशिश करते हैं अलग अलग जगहों पे हमारे सुपर स्पेशलिस्ट को भेजना, ताकि वो जो पेशेंट्स वहां पे उस तकलीफ में है वो वहीं पे उनको सॉल्यूशन मिल जाए और वहीं के वहीं उन्हें बेसिक ट्रीटमेंट वहां मिल जाए। ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी हम लोग एक्सपेंशन के प्लान में हैं कि
इन्हीं सब सिटीज में हम लोग प्लान कर रहे हैं या कोशिश करेंगे कि हम अपना प्रेजेंस वहां पे भी बना पाए, और अगर भगवान ने चाहा तो वहां पे भी कुछ हमारे हॉस्पिटल्स हम लोग एक्सपांशन के तौर पे खड़े कर पाए। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेडिकल फैटर्निटी किसी अवार्ड या रिकॉग्निशन की मोहताज नहीं रहती, लेकिन जब इस दौरान हमें कोई रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे ही कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी मिले हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे दर्शकों के साथ में जरूर साझा करें। अवार्ड सर रिसेंट पहले तो काफी हुए हैं, बट अभी रिसेंट में जो मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में लास्ट मंथ हमें गवर्नर साहब के हाथ से, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों से बेस्ट इमर्जिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अवार्ड मिला हुआ है। क्या बात है, मैं आपका अभिनंदन करते हैं। जी जी जी, और ये अवार्ड हम लोगों ने हमें राजभवन में मुंबई में बुला के अवार्ड दिया गया था, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है जी। कि ऐसे अवार्ड्स जब मिलते हैं तो हमें और लोगों की सेवा के लिए करने के लिए हमें और प्रोत्साहन मिलता है। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ कैंप्स हैं डॉक्टर साहब, आप साल भर में करते रहते हैं डॉक्टर, ये अपने नेल्सन हॉस्पिटल के तहत, उसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों तक आप पहुंच सके, लोगों को मेडिकल सुविधाएं आप प्रदान कर सके। जी, बहुत सारे कैंप्स, बेसिक जो एक तबका रहता है जहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा कहीं जा नहीं पाते हैं जी, वैसे लोगों तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। और उन उन जो लोगों को जो फाइनेंशियली जो वीक होते हैं बेसिकली जी, जी। उस तबके को अगर अच्छी सुविधा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है जी, जिसके तहत आरबीएस के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जी, जिसके तहत हम लोग बच्चों की हार्ट सर्जरीज जी फ्री में करते हैं। क्या बात, गवर्नमेंट के तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है, बट पेशेंट से इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और ये फैसिलिटी नागपुर में सिर्फ अभी फिलहाल तो नेल्सन हॉस्पिटल के पास है, जहां बच्चों का हार्ट सर्जरीज जो पहले हैदराबाद, मुंबई जी और दिल्ली तक जाते थे बच्चे यहां से, वो अभी सिर्फ विदाउट एनी मनी वो फ्री में उनका इलाज या उनका ऑपरेशन नेल्सन हॉस्पिटल में हो जाता है। ये बहुत अहम जानकारी आपने साझा किया हमारे साथ। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स कई बार रहते हैं, हम लोग क्राउड फंडिंग और ऐसे कई स्कीम्स हैं जिनके तहत हम लोग फायदा उनका लेते हैं और पेशेंट्स को उनका फायदा मिले इसका ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता होगा डॉक्टर साहब कि कुछ लोगों के पास में तो मेडिक्लेम होता है, ये होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास में सब चीज नहीं होती है, लेकिन इलाज करना बहुत जरूरी होता है, तो नेल्सन हॉस्पिटल में इन लोगों के लिए कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट सुविधाएं वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं? जी, जैसे मैं आपको बताया कि क्राउड फंडिंग एक बहुत जरिया है, बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है, जिसके जरिए हम लोगों की मदद करते हैं। उसी तरह EMI फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, जहाँ पे किसी भी ट्रीटमेंट या मेजर सर्जरीज पे जो हम लोग सिर्फ पैसे नहीं होने के कारण उसे पोस्टपोन करते रहते हैं, वो अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम EMI फैसिलिटीज के थ्रू उसे इमीडिएटली करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, आपने दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि एक घर में जब एक माँ को एक बच्चा होता है, उस माँ के चेहरे पे जो मुस्कान होती है और वो खिलखिलाती ऐसे जब अपने बच्चे की देखती है, तो आप यकीन मानिए उसे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूं। और ये खुशी जब एक डॉक्टर अपने नजरिए से देखता है तो उन्हें उस बात का कितना खुशी होती होगी, और वो खुशी जो है डॉक्टर साहब के चेहरे पे मैं देख रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि इतना प्यारा सा डॉक्टर साहब का चेहरा देख के ही पेशेंट कई बार तो अपने आप ठीक हो जाते होंगे। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऐसी बातचीत का दौर आगे भी चलता रहेगा। नमस्कार।
मुश्किल समय में जो साथ निभाए वही होता है सच्चा दोस्त, आपके ऐसे ही मुश्किल वक्त का साथी है नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कैंसर, ब्रेन और स्पाइन समेत अन्य जटिल बीमारियों के सरल उपचार के साथ ही पेनलेस डिलीवरी और नवजात शिशु की संपूर्ण देखभाल का एकमात्र विश्वसनीय स्थान नेल्सन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिहाइंड हितवारा प्रेस, धंतोली।